गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 11 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, दादी माँ पाठ के अगले अंश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। आपने भी देखा होगा सब जगह जब शादी होती है तो सबके घरों के कुछ ना कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं, डांस होता है, गाने गाए जाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि किस तरह से लोग पहले से ये 5-4-5 दिन से पहले से ही गाने वाने गाने लगे थे और फिर विवाह से एक दिन पहले अभिनय यानी नाटक और ये सब भी हुआ था। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्र पति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे, यानी कि मतलब जहाँ से विवाह हो रहा है वहाँ से कैसे कैसे सारी चीज़ें दिखाई जाती थी। कैसे शादी हो गई है, अब कैसे बाकी फैमिली है, कैसे बच्चे हुए, किस तरह से उनके बच्चे हैं, उनकी शादी हुई, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती थी। सभी पार्ट औरतें ही करती थी, यानी इसमें क्या था, सब औरतें ही हुआ करती थी। किसी भी तरह के कोई आदमी की आने की गुंजाइश नहीं होती थी। ठीक है, मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था, यानी कि बारात जब चली गई तो वो भी बारात के बाद आया था, इसलिए वो भी नहीं जा पाया। औरतों ने उस पर क्या करा, आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। अब क्या हुआ, उनकी औरतें जो थी उन्होंने कहा भाई ये दो लड़के हैं हम तो नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, दादी माँ बिगड़ पड़ी। लड़कों से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। ठीक है, यानी कि लड़की और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, इसलिए लड़कों से कोई पर्दा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से इन्होंने बताया। अब यहाँ देखिए लिखा है, विवाह से पहले औरतें क्या करती हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ से कि विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर क्या करने लगती थी, गीत गाने लगती थी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है, अभिनय में कौन से दृश्य दिखाए जाते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि अभिनय में कौन कौन से दृश्य दिखाए जाते थे। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि अभिनय में विवाह से लेकर पुत्र पति तक जो है सारे दृश्यों को दिखाया जाता था। ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, अभिनय के सभी पार्ट कौन निभाता था, यानी कि कौन निभाता है सारे पार्ट उसमें नाटक में, सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि सभी पार्ट जो है वो औरतें करती थीं। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपको अगला क्वेश्चन लिखा है कि लेखक के ममेरे भाई का क्या नाम था। तो चलिए इसका नाम देखते हैं क्या था। तो आप लिख लेंगे इसका आंसर कि उसका नाम राघव था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपका वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोलते हैं, घर में होने वाले उत्सव या समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करेंगे। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई घर में होने वाले जो समारोह होते हैं उनमें बच्चे खेलते कूदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, डांस करते हैं, है ना, यही सारी चीज़ें करी जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैम ये भी किया जाता है तो आप उसे भी ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आज की वर्कशीट को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।